बिग यूनिवर्सिटी में प्राइवेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च एटे पर आपको बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिखकर आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यानी बिलासपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी होगी। इसके बाद क्विक लिंक पर नीचे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो कॉलेज नोटिफिकेशन पर चले आना है। जैसे आप इस पेज में नीचे आते हैं यहाँ पर जो है प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड पूरे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपको पूरी जो है शेड्यूल दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर से जो मुख्य परीक्षाएँ होनी है जिसमें समस्त स्नातक जो प्रथम द्वितीय और तृतीय यानी फर्स्ट सेकेंड और फाइनल ईयर, इसके साथ ही स्नातकोत्तर जो प्रीवियस और फाइनल ईयर सभी के यहाँ पर जो जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो है एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। इसके साथ ही भूतपूर्व और पूरक कैंडिडेट का भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा जो है डिटेल दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जनवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म है वह शुरू हो गया है, जिसमें आप 4 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 4 फरवरी तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको 200 रुपये लेट फीस के साथ 5 से 14 फरवरी के बीच भी फॉर्म भरने का यहाँ पर समय दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट करा के इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस फॉर्म को कॉलेज में जमा करना होगा, जिसके यहाँ पर जो डेट है वह 21 जनवरी से लेकर 17 फरवरी दिया गया है। आपको 21 से 17 फरवरी के बीच जाकर फॉर्म को जो है जमा कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो है कौन कौन से कोर्स का फॉर्म भराया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, बीसीए, पीजीडीसीए, इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज का यहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है। अगर आप भी इन सभी कोर्सेज में से किसी कोर्स में फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोबारा आपको जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का एक जो है ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे ही आप इस पेज में नीचे आते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटी 2022-23 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइवेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप जो है इस जो है तरीके के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दी गई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आप जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यानी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गई होगी तो आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप पहली बार जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं यानी कि पहली बार आप यूनिवर्सिटी से जो है प्राइवेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस पेज में जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट टाइप, यहाँ पर आपको जो प्राइवेट और नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद नीचे कॉलेज कोड और नेम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जितने भी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आते हैं वो सभी कॉलेज के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। सो आपको जो भी कॉलेज में अपना जो है एग्जाम देना होगा यानी जिस कॉलेज में आप प्राइवेट में फॉर्म डालना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो है एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कोर्स सेलेक्ट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उस कॉलेज में वह कोर्स अवेलेबल है या नहीं वह सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि सभी कॉलेज में सभी कोर्स अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जो भी कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर जैसे उस कॉलेज में अवेलेबल है तभी उस कॉलेज को सिलेक्ट करें, अदरवाइज आपको जो है कॉलेज चेंज करके अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है सेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको 2022-23 लिख देना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे श्री कुमारी श्रीमती, जो भी आप अपने नाम के पहले लगाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना होगा। नीचे फादर्स नेम लिखने होंगे और नीचे आपको अपना मदर्स नेम देखना होगा। दोस्तों, ये सारे डिटेल्स आपके अपने 12th के मार्कशीट के अनुसार आपको डालना होगा। अगर आप जो है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डिटेल आपको ग्रेजुएशन के अनुसार ही डालना है। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है।
नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ से जो है ईयर डेट और मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे मीडियम पर क्लिक करेंगे हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप जो कॉलेज करना चाहते हैं उस मीडियम को आपको सिलेक्ट करना होगा। नीचे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, जनरल एससी एसटी ओबीसी। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। फ्रेंड्स आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास हो, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, साथ ही आपकी आईडी पासवर्ड उसी मोबाइल पर आएगी। सो इसीलिए यहाँ पर आपको अपना परमानेंट मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी और नीचे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर दे देना होगा। नेशनैलिटी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है इंडियन लिख देना होगा। नीचे डोमिसाइल पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद नीचे माइनॉरिटी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप दोस्तों आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद सारे टर्म एंड कंडीशन को आपको अच्छे से देख लेना होगा और यहाँ पर आपको राइट के निशान पर क्लिक करना है और नीचे आके आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी अभी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डाल लेने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का एक जो है ऑप्शन आ गया है, रजिस्टर नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारा जो प्रोफाइल है वह लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है और जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उस आईडी पासवर्ड को आपको जो है सबमिट करना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म एनुअल प्राइवेट एक्स सप्लीमेंट्री। इसके साथ ही जो सेमेस्टर एटी केटी के कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से जो है पूरे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पूरे पेज अच्छे से शो नहीं होते हैं तो जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर को आपको जो है डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना होगा। जैसे आप डेस्कटॉप मोड को ऑन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों आप जो भी कोर्स पहले सिलेक्ट किए हैं यानी कि जिस कोर्स में आपको जो अपना पीजी या जो है यूजी करना होगा उस कोर्स के आगे यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम मैंने जो है बीसी फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं बीसी फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है, उसके बगल में अप्लाई का बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से हमें लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, सबसे पहले जो यूजर आईडी मांगी जा रही है और पासवर्ड मांगा जा रहा है। सो दोस्तों जो भी आप मोबाइल नंबर दिए थे उस नंबर पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल लेना है और नीचे साइन इन का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप जो है साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल है इस प्रकार से जो है लॉगिन हो जाता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको जो है फॉर्म भरते समय पेमेंट फेल्ड हो जाता है उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको जो है ट्राई सेटलमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो 48 आवर करीब जो है दो दिनों का वेट करना है, इसके बाद आपको दोबारा पेमेंट करना है, आपको जो है एक ही टाइम दो तीन बार पेमेंट नहीं करना है। सो आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड नंबर पर जो है पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो डाटा यहाँ पर जो अधूरा है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको जो अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के बाद नीचे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आपको अपना जो पूरा एड्रेस लिखना होगा, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम इज परमानेंट एड्रेस, यानी कि दोस्तों आपको जो है जो भी आप ऊपर में अपना परमानेंट एड्रेस डाले हैं और जो आपका पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम है तो यहाँ से आपको जो है चेकमार्क कर देना होगा। इसके बाद यहाँ से डोमिसाइल पर आप जो है अपना जो डोमिसाइल दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सारे डिटेल एक बार मैच कर लेने के बाद नीचे अपडेट का बटन है, यहाँ पर आपको अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल है वह अपडेट हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर एजुकेशन डिटेल्स करेंट ईयर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी आप जो है किस कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं वह यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगा।
अगर दोस्तों यहाँ से गड़बड़ी होती है तो यहाँ से आप जो है फॉर्म को दोबारा इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा नया फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पूरे डिटेल सही होने के बाद आपको फोर्थ नंबर पर प्रीवियस एजुकेशन डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपना जो है प्रीवियस एजुकेशन का डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले हाई स्कूल यानी क्लास 10 का डिटेल, क्लास 12th का डिटेल, अगर आप जो है पीजी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के भी डिटेल आपको डालने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड में क्लास 12th पे आपको जो सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड से किए होंगे यहाँ पर लिख देंगे। ईयर में कौन सी ईयर में आप जो 12th पास हुए हैं उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स में आपको जो है कितने नंबर का जो कोर्स है उसको यहाँ पर लिख देना होगा। और 10 मार्क्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है वह लिख देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का पूरा डिटेल डाल देना है। अगर फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है, अगर आप पीजी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ से आपको अपने ग्रेजुएशन का भी डिटेल डालना पड़ेगा। सारे डिटेल आपको अच्छे से जो है डाल लेना है और नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल है इस प्रकार से सेव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो की साइज है वह 100 KB से कम होनी चाहिए, वहीं सिग्नेचर की साइज है वह भी 100 KB से कम होनी चाहिए और जो आपकी फोटोग्राफ्स है वह जो है नए फोटोग्राफ्स होने चाहिए, यानी कि पुराने फोटो यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है, आपको नए फोटो अपलोड करना है। सबसे पहले अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के फाइल पर जिस जहाँ पर आप फोटो रखे हैं उस फाइल में जाकर फोटो सिलेक्ट कर देंगे। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फोटोग्राफ से अपलोड होकर इस प्रकार से आ जाता है। अगर यहाँ से आप जो गलत फोटो अपलोड कर दिए हैं या दोस्तों आपका फोटो अपलोड नहीं हुआ है तो आपको जो फोटो को रिसाइज कर लेंगे और दोबारा अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपको एड रिमूव न्यू एग्जामिनेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑलरेडी इस प्रकार से आपका जो है कोर्स और आपके जो है कॉलेज देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ से कोई भी एड नहीं करना है। अगर यहाँ ब्लैंक देखने को मिलेगा तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में जाकर आपको कौन से कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं रेगुलर प्राइवेट एक्स या एटीकेटी जो भी है यहाँ से वो भी यहाँ पर डिटेल आप जो है से जो सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज पर जाकर आप कौन से कॉलेज से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर एड एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका जो है डेटा है यहाँ से एड हो जाता है। अगर दोस्तों आप जो है एक बार एड कर ली है तो यहाँ पर दोबारा एड नहीं होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से जो है पूरे डिटेल आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पर्यावरण कम से कम एक ईयर में लेना कंपलसरी है, इसीलिए अगर फर्स्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है इन्वायरमेंटल जो है स्टडी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं एक्शन के नीचे सिलेक्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे सब्जेक्ट के पूरे जो है नेम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट और उसके बाद ग्रुप बी का सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देख लेना होगा, क्योंकि अलग अलग कोर्स का यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कई यहाँ पर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे और किसी किसी कॉलेज में यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस भी होता है, वह आपको अपने कॉलेज के अनुसार सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इस दोस्तों आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वह सबसे पहले आप जो सिलेबस में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेव सब्जेक्ट का एक बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे आपका सब्जेक्ट है वह सेव हो जाता है। नीचे आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फीस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फीस है यहाँ पर 1800 बताया जा रहा है। अलग अलग कोर्स का फीस अलग अलग भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपने अभी तक डिटेल डाले हैं सारे डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सभी डिटेल आपको अच्छे से मिलान कर लेना है।
सारी डिटेल सही होने के बाद नीचे प्रोसेस टू पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका पूरा डिटेल दोबारा देखने को मिल जाएगा, आपको दोबारा जो है मैच कर लेना होगा। मैच कर लेने के बाद यहाँ पर जो है दोबारा आपको फीस का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर मैक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे आप मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पे विथ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पे विथ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अलग अलग जो है पेमेंट के माध्यम आपके सामने ओपन हो जाते हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन दिया है। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया है, साथ ही नेट बैंकिंग और UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको UPI सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI, पेटीएम, अमेजन पे सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। सो आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने फ़ोनपे के अकाउंट को यहाँ से क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंटर UPI ID लिखा हुआ आ रहा है। सो फ्रेंड जिस नंबर पे आप जो फ़ोनपे बनाए होंगे उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है, या आपका UPI जो ID है वो अलग हो सकता है, वो आपको जो है फ़ोनपे पर जाकर पता चल जाएगा। उस UPI ID को डाल के आपको वेरीफाई करना है, और प्रोसीड के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो फ़ोनपे पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन पर जाकर आपको जो सिक्योरिटी पिन डाल के पेमेंट को सक्सेसफुल करा लेना है। जैसे फ्रेंड्स आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। अगर पेज ओपन नहीं होता है तो आपको जो दोबारा लॉगिन करके इस पेज को ओपन कर लेना होगा। इसके बाद इस पेज में आपको नीचे आना होगा और प्रिंट एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक्शन के नीचे यहाँ पर प्रिंट का बटन है, यहाँ से प्रिंट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं फीस रिसिप्ट है वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके इसे आपको जो है सेव कर लेना होगा। इसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म को प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट एग्जाम एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, और ऊपर में सेव के बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी सेव कर पाएंगे। दोस्तों आपका जो है प्रिंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपके मोबाइल पर जो है PDF फॉर्मेट में सेव हो गया है।